हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माय सेल्फ सागर वैद्य। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई, यहाँ पे नाम अगर देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ आ रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये 12th क्लास में बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक ना एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में या ऐसे आप सेमेस्टर में भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, देखो अब क्या होता है, ये हो गई हमारी, ये हो रही है। ठीक है, जब भी पॉलिनेशन होता है किसी भी पॉलिनेटरी एजेंट के थ्रू, तो वो पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, पहले यहाँ पे जो है मेल गमेट पॉलन ग्रैंड यहाँ पे आता है स्टिकी स्टिग्मा पे। अब देखो ये स्टिग्मा जो है स्टिकी होता है, इसके कारण क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये मूव करते हैं और यहाँ से फिर इम्ब्रो सैक के अंदर एंट्री करते हैं। तो पहले डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझने से पहले हमें इम्ब्रो सैक को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रो सैक। इम्ब्रो सैक के स्ट्रक्चर में क्या है, ये तीन होते हैं एंटीपोडल सेल, इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये जो ऊपर में तीन सेल होते हैं इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। अब यहाँ पे जो ये दो सेल होते हैं इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल। क्या बोला जाता है, सेंट्रल सेल। यहाँ पे क्या होता है, सेल एक होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस दो होते हैं। न्यूक्लियस कितने होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, और सेल कितनी होती है, एक होती है। अब ये जो सेल है इसको बोला जाता है एक सेल, एक सेल। और यहाँ पे दो है ये, इसको बोला जाता है सिनर्जिट। क्या बोला जाता है, सिनर्जिट। क्या बोला जाता है, सिनर्जिट। समझ में आया, तीन एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल और एक एक सेल और दो सिनर्जिट। ठीक है, इसको बोला जाता है ये है दो सिनर्जिक। तो ये जो इम्ब्रो सैक है ये कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ न्यूक्लियस और सेवन सेल का स्ट्रक्चर है। एट न्यूक्लियस और सेवन सेल, एट न्यूक्लियस और सेवन सेल के स्ट्रक्चर को बोला जाता है इम्ब्रो सैक। क्या बोला जाता है, इम्ब्रो सैक। याद रहेगा कितने न्यूक्लियस, एट न्यूक्लियस और सेवन सेल, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इम्ब्रो सैक। यहाँ पे भैया दो एंड होते हैं, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड और इसको बोला जाता है चलाजल एंड। चलाजल एंड, क्या बोला जाता है, चलाजल एंड। चलाजा, क्या बोल रहे हैं, चलाजा, जाने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलाजल एंड और दूसरा एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब देखो जब भी किसी भी पॉलिनेटरी एजेंट जैसे बर्ड हो गया, हनी भी हो गया, ये जो जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेटरी एजेंट। तो जब भी क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनेटरी एजेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेल गमेट होते हैं, मेल गमेट कहाँ बनते हैं, अंतर में बनते हैं। तो मेल जो गमेट होते हैं पॉलन के, वो स्टिकी स्टिग्मा पे आते हैं और उसके बाद ये जो स्टिकी स्टिग्मा होता है ये कैसा होता है, ये जो पूरा होता है स्टिकी होता है। तो यहाँ से जो मेल गमेट है ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। ये जो रेड कलर वाली दिखाई दे रही है ये है हमारी पॉलन ट्यूब, तो ये बना रहे पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब बनती है और यहाँ से इंटर होते हैं ये पॉलन ग्रैंड माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से इंटर होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से। जो पॉलन ग्रैंड कहाँ से इंटर होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से। अब यहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या होते हैं यहाँ पे, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या है, तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये जो पॉलन ग्रैंड यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ एंटर हो रहे हैं, तो उनको ये गाइड करने का काम करता है, कि फ्यूजन करने के लिए गाइड करने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे पहले पॉलन ग्रैंड आते हैं और इसको एक सेल को पूछते हैं कि भैया अब क्या करें, तो एक सेल इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम जाओ और पहले फ्यूजन किसके साथ करो, एक सेल के साथ। किसके साथ फ्यूजन करो, एक सेल के साथ। तो ये जो पहला पॉलन ग्रैंड है, पॉलन ग्रैंड जाता है पहले और एक सेल के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, ये जो एक सेल के साथ फ्यूजन करता है तो ये बना जाता है 2N और यहाँ फॉर्म करते हैं ये जायगोट। क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये जो है पहला जो पॉलन ग्रैंड एक सेल के साथ फ्यूज होने जाता है, इसको बोला जाता है सिनगैमी। सिनगैमी, क्या बोला जाता है, सिनगैमी। ये जो है मेन प्रोसेस है, क्या है, सिनगैमी। ये जो मेन प्रोसेस है, क्या हो रहा है, जो पहला पॉलन ग्रैंड है वो फिलीफॉर्म अपरेटस के पास आ रहा है, फिलीफॉर्म अपरेटस उसको गाइड कर रहा है कि भैया तुम जाओ एक सेल के साथ फ्यूजन करो। तो जब एक सेल के साथ फ्यूजन किया करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, फिर जायगोट फॉर्म करता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। क्या बोला जाता है, सिनगैमी। जो पहला पॉलन ग्रैंड आके एक सेल के साथ फ्यूजन होता है उसको बोला जाता है सिनगैमी। अब एक सेल का, तो एक जो
पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसका तो फ्यूजन हो गया। अब जो दूसरा मेलगामेट है, अब वो दूसरा मेलगामेट एक्सेल के साथ जाता है, भैया तुमने पहले को बता दिया कि तुम एक्सेल के साथ फ्यूजन करो, अब जो दूसरा जो पॉलन ग्रेन है तो उसको एक्सेल बोलता है कि भैया तुम जाके किसके साथ पॉलर न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूजन करो, ठीक है। तो जो ये दूसरा मेल गैमेट है वो जाता है और पॉलर न्यूक्लियस के पास साथ फ्यूजन करता है। तो पॉलर न्यूक्लियस के टू एन रहते हैं क्योंकि ये दो सेल है, दो न्यूक्लियस है, सेल एक है, सेंट्रल सेल है, लेकिन उसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस। अब दो न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये बनाता है प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, क्या बनाता है, ये ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आया, पहला जो मेल गैमेट है वो आगे के साथ किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एक सेल के साथ फ्यूज होके क्या बना रहा है, जायगोट बना रहा है। पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होके जायगोट बना रहा है, और दूसरा जो मेल गैमेट है ये पोलर सेल या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होके क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, अब देखो ये एक मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट, यहाँ पे दो मेल गैमेट पार्टिसिपेट ले रहे हैं, दो मेल गैमेट पार्टिसिपेट ले रहे हैं और फ्यूजन किसके साथ कर रहे हैं, सिंगल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, देखो दो मेल गैमेट एक पार्ट कर रहे हैं और फ्यूजन किसके साथ कर रहे हैं, एक एक सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ। जो एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है वो बनाएगा जायगोट, और जो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा वो बनाएगा प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। आप सबको, मुझे लगता है आप सबको जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया। अगर पूरा टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।